का ये खेल अब मैट पर मचा रहा है धूम। गांव की गलियों से निकलकर देश और दुनिया में गूंज उठा है इसके सितारों का शोर। कबड्डी के इन हीरोज में एग्रेशन भी है, पैशन भी, जोश भी और जुनून भी। हीरोज के तेवर के साथ जुड़ा है पूरे नेशन का इमोशन। यहां महाबली भी है, बाहुबली भी, रिकॉर्ड ब्रेकर का वाह। यहां दिखेगा हाई फ्लायर का फायर, एक्सप्रेस की रफ्तार तो माइटी का पावर। तो तैयार हो जाइए पीकेएल 10 में कबड्डी के सुपर हीरोज के ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस की पूरी कहानी देखने के लिए। शानदार जीत तेलुगु टाइटंस की, अपना खाता खोलते हुए आगाज कर दिया है तेलुगु टाइटंस ने। और ये रॉ इमोशंस, ये भावनाएं, टाइटंस की पहली जीत जो इतने कड़े संघर्ष और मेहनत के बाद उन्होंने हासिल किया है। खुशी तो होती है कि कंटिन्यूस इतनी हार के ग्राफ्ट मैंने देखा था, पता नहीं कितनी हार नज़र आ रही थी उस ग्राफ्ट में तेलुगु के में। तो एक जीत मिलती है तो पैसे को पानी मिलता है, मुझे ऐसा प्रतीत होता पर्सनली। और एक जीत से सब कुछ फिनिश नहीं हो जाता, सीजन लंबा है और एक जीत से खुशी मिली है लेकिन आगे लंबा भी रास्ता है, उसके लिए भी तैयारी करेंगे। चेन्नई में मिली जीत ने हाई फ्लायर की टीम के पूरे जोश को हाई कर दिया है। एक झटके में उनकी टीम पिछले हार के सारे गम भुला बैठी। पवन सहरावत तारीफ के हकदार। हमने मैच से पहले ये डिस्कस किया, आज ये जीत है पवन के लिए, हम करके दिखाना है क्योंकि आज अर्जुन अवार्ड डिक्लेयर हो गया था, ये मैच में हम करके दिखाना पड़ेगा। तो हमारा जो टीम था एज ए टीम ओवरऑल देखा गया तो सबका कंट्रीब्यूशन बहुत ही बेहतरीन था, ऐसे ने टॉप एक लड़के से लेकर सात लड़के तक सभी अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, 100% एफर्ट किया, 1 मिनट से लेकर 40 मिनट तक पूरा गेम एफर्ट लगा था और टीम एक टीम जैसा खेली थी, तो ये टीम का एक सक्सेस है। जी हाँ, तेलुगु टाइटंस की खुशियों की शुरुआत तो तभी हो गई थी जब भारत सरकार ने पवन को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित करने का फैसला किया। पहला रिएक्शन यही था कि कबड्डी में इससे बड़ा अवार्ड होता नहीं है और जो गेम खेल रहा हूँ उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया है तो खुशी होती है। और मेरा रिएक्शन यही था कि चलो इतने दिन की कबड्डी खेली, काम तो आई। देखिए, किसी भी प्लेयर का गेम ऊपर आने में फैंस का, फैमिली का और भी जो रिलेटिव का सबका सपोर्ट होता है। कि अगर मेरा भी है तो मैं फैंस का सबसे ज़्यादा धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि इतना मुझसे प्यार करते रहे, वो होप रखते हैं, गेम अच्छा खेला जाता है, इंडिया से भी होप था, गोल्ड मेडल लेके आए, वहाँ पे कैप्टन बनने का मौका मिला। तो यही है कि जैसा प्यार करते आ रहे थे ऐसा ही प्यार करते रहिए और उनका बहुत बड़ा धन्यवाद। पवन सहरावत। पूरे लेग तक पवन सहरावत के प्रदर्शन की बात करें तो 5 मैचों में उन्होंने 4 सुपर 10 लगाए लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। लेकिन चेन्नई लेग में मिली दोहरी खुशी ने उन्हें उम्मीदों से भर दिया है। काफ़ी जो कबड्डी का सफ़र रहा है काफ़ी अप एंड डाउन रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी परफॉर्मेंस डाउन कभी अप, तो वो एक जीवन का भी रूल भी है कि कभी अप एंड डाउन चलता रहता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए काफ़ी अच्छा रोमांच रहा है, ज़िंदगी बिल्कुल सरल नहीं रही, मज़ा आया ज़िंदगी जीने में, तो काफ़ी मज़ा रहा। जीत और अवार्ड के बाद साथियों ने पवन को शुभकामनाओं से लाद दिया है। अपने पवन भाई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अर्जुन अवार्ड मिला है तो उसको बहुत सारी शुभकामनाएं। कॉन्ग्रेचुलेशन पवन भाई फॉर योर अर्जुन अवार्ड, उम्मीद है आगे और भी अच्छा खेलेंगे आप। या फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड कंग्रेचुलेट द इंडियन कैप्टन आर तेलुगु टाइटंस कैप्टन पवन सहरावत ऑन गेटिंग अर्जुन अवार्ड। पीकेएल में 1000 से ज्यादा रेड पॉइंट और 50 से ज्यादा सुपर 10 कबड्डी की दुनिया में पवन के कद को बयां करने के लिए काफी हैं। पवन को मैं 4.5 स्टार दूंगा, मतलब पूरे 5 तो नहीं दूंगा क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छा रहा है पवन का, पर और 1-2 मैच अगर जीतने में कामयाब रहे तो पूरे 5 में से 5 स्टार तो पवन के लिए दे ही सकता हूँ, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी अभी भी रही है। Oh,
माइटी मनिंदर के भरोसे का ये मंत्र पीकेएल 10 में सिर चढ़कर बोल रहा है। शुरुआती तीन लेग में तूफान मचाने के बाद जो भी वक्त माइटी मनिंदर को मिला उन्होंने वक्त का जमकर फायदा उठाया और जोरदार तैयारी में खुद को झोंक दिया। परफॉर्मेंस ये है कि डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं ना, बाकी हमने उधर प्रैक्टिस इस साल बहुत बढ़िया किया, तो मेरे साथ मतलब ट्रेनर था तो उसके साथ रहने का ये फायदा हो गया ना, जो हम एक्सरसाइज गलत करते थे वो अभी सही करने लगे। चेन्नई लेग में मुंबई के खिलाफ जब बारी आई तो माइटी ने जबरदस्त फाइट की नुमाइश पेश की। इसी के साथ 1300 पॉइंट्स उस चोटी पे पहुंच गए माइटी मनिंदर। इससे पहले पूर्ण लेग तक माइटी मनिंदर टोटल 46 बार रेडिंग में कामयाब हुए और सबसे ज्यादा 61 रेड पॉइंट अपने नाम किए। यानी पीकेएल 10 में महाबली से टकराना डिफेंडर्स के लिए इस सीजन आसान नहीं रहा। डिड वेरी वेल एक्सीलेंट बिकॉज़ दे इन्वॉल्वड इन द प्रैक्टिस सेशन हाउ दे वांट टू प्ले अगेंस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेंडर्स वी प्लान्ड लाइक दैट वी फिक्स्ड द स्ट्रेटजी लाइक दैट द कस द 3 सुपर 10 वी गॉट 3 सुपर 10। जबकि माइटी को रोकने के लिए पुणे में डिफेंडर्स एक्स्ट्रा प्लान के साथ मैट पर उतरे थे। यहां यूपी योद्धास के डिफेंडर्स ने मनिंदर को रोकने की कोशिश तो खूब की लेकिन फिर भी वो मैच नहीं जीत सके। जबरदस्त रेड थी मनिंदर की, पर हमने देखा है मनिंदर को बहुत बार, बहुत पहले, इसके पहले भी सीजन में कि बहुत बार टैकल होते हैं पर उसके बाद भी उसी जोश से, उसी कॉन्फिडेंस से वापिस आते हैं, तो आगे के मैचेस हालांकि मनिंदर अच्छा करते हुए हमें दिखेंगे। वहीं शादलू और उनके साथियों ने माइटी मनिंदर को रोकने के लिए सुपर हिट तैयारी की थी। यहाँ वो 10 रेड में सिर्फ 3 बार ही सफल रहे लेकिन उस 3 कामयाब रेड में भी उन्होंने 7 पॉइंट बटोर लिए। बहुत ही जबरदस्त रेड है मनिंदर का, वन ऑफ द कंसिस्टेंट रेडर हम कह सकते हैं। हर सीजन में 200 प्लस पॉइंट स्कोर करना इजी काम नहीं है और मनिंदर ने वो हर सीजन में करके दिखाया है और कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं, तो ये बहुत डिफिकल्ट है कि फिटनेस को मेंटेन रख के अपने परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंट करना। बेंगलुरु लेग में तो माइटी मनिंदर ने अपना सुपर फॉर्म दिखाया, यहाँ उन्होंने बैक टू बैक 2 धांसू सुपर 10 लगाए। चलता फिरता पॉइंट मशीन है ये खिलाड़ी। बंगलौर में जैसे हमारा बढ़िया दोनों मैच हुए, दोनों हमने जीते है ना, तो बहुत खुशी है ना, तो मेरा भी जैसे पहले मैच में चलो हो गया था सुपर 10 है ना, तो बाकी तो मैं सोचता नहीं इतना सुपर 10 का ना, तो चलो बढ़िया खेलना अपनी टीम को जितवाना है। टूर्नामेंट के शुरुआती अहमदाबाद लेग में भी माइटी ने अनबीटन परफॉर्मेंस दी, पहली रेड में ही कमाल कर दिया। सीजन का आगाज ही उन्होंने मैच जिताऊ सुपर 10 से किया। बुल्स को हराकर सीजन 10 का क्या जबरदस्त आगाज किया है वॉरियर्स ने। मेरा अगर प्रदर्शन बढ़िया होगा तो सारी टीम मतलब फिर सोचती है, अगर हमारा कैप्टन इतना जोर लगा रहा है ना तो हम भी जोर लगा के खेलें, तो वही अगर मैं बढ़िया खेलूंगा तो मेरी टीम भी बढ़िया खेलूंगी। विरोधी डिफेंडर्स समझ चुके हैं कि माइटी से भिड़ना है तो मुट्ठी की तरह बंधना होगा। जो इस वीक का जो परफॉर्मेंस की बात है उसके मार्क्स में मनिंदर को 4 out of 5 देना चाहूँगा। क्या आपको लगता है कि पुणे लेग तक मिली लगातार 3 हार ने हिला दिया होगा सुल्तान के हौसलों को? You know, that is often. And I think we were also a little unlucky because last 3 matches always Willys with 1-2 points. But that is also no issue for us because this is a starting of season. सुल्तान को पता है मैट की सल्तनत की शान को आगे बढ़ाने का एक ही तरीका है, कमियों को पहचानो और उसे दूर करो। You know, already I am about 9-10 years playing here and 20 years playing kabaddi. For me, it's normal. That what is the important that you should keep fighting and keep try and a lot of hard work. Just you should be not like give up. आलोचकों का मानना है कि फजल पर कप्तानी का प्रेशर है,
लेकिन वो सुल्तान ही कैसा जो प्रेशर हैंडल ना कर सके। Of course, there is some pressure, but now about the long time also, I am captain, so I can handle it also. PKL में सबसे ज्यादा टैकल पॉइंट है सुल्तान फजल के नाम। 100 से ज्यादा मैचों में कप्तानी का अनुभव है सुल्तान के पास। पुणे लेग तक सुल्तान को जो 3 हार मिली है उसका अंतर बेहद मामूली है। कबड्डी के हर हुनर से वाकिफ ईरान के दिग्गज को पता है कमबैक करने का हुनर। कप्तानी के बारे में यही कहूंगा कि इतने साल से खेल रहे हैं, एक्सपीरियंस बनता है उनको, गेम रीड करने बहुत अच्छे से आता है, गेम के सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझते हैं वो, तो मेरे हिसाब से कप्तानी भी बहुत बेहतरीन करते हैं। तभी तो चेन्नई में वॉर ऑफ स्टार्स को स्पेशल बनाने में फजल ने पूरा दम लगा दिया। गिल को पता नहीं, फजल अत्राचली, बाज है बाज। फजल के फैंस को मालूम है टूर्नामेंट की शुरुआत उन्होंने जीत की हैट्रिक से की है। आगाज अगर उन्होंने दमदार किया है तो अंजाम भी तय मानिए सुल्तान की मर्जी से होगा। और इस बार फजल भारी पड़े प्रदीप नरवाल पर। First, I am happy for our team. They played very well. And nothing more, just I am happy for our team. And after, I am happy like for my performance also. यानी आगे टैकल और भी भयंकर होगा। फजल अत्राचली बहुत ही बढ़िया ताकत के साथ उन्होंने अंकल लिया 23वां हाई फाइव उनके करियर का। देखिए फजल को मैं 5 में से पूरे 5 पॉइंट्स देने की कोशिश करूंगा। अब तक तो हमारी टीम तकरीबन पहुंच ही जाती है। अब की बार यही गोल है कि मतलब उससे ऊपर लेके जाएं। पहले जिम बहुत कम करता था, अब मतलब ट्रेनर बोल रहा है कि मतलब थोड़ी वीकनेस आई है तो उसकी मसलों पे काम करा रहे हैं। तो प्रदीप ने अपनी फिटनेस और इरादों की ये झलक पूरे में जयपुर पिंक पैंथर्स के खिलाफ ऐसी दिखाई कि बड़े बड़े कबड्डी के एक्सपर्ट हैरान रह गए। दिन नवाब की डुबकी बताऊं या उनके रिकॉर्ड बताऊं तो वो सब में निराले हैं। शायद कोई प्लेयर ऐसा नहीं होगा जो प्रदीप नरवाल जितना करके दिखा सकता हूँ। अहमदाबाद में पहले मैच में यू मुंबा के खिलाफ प्रदीप कुछ खास नहीं कर सके। प्रदीप नरवाल को बाहर जाना पड़ा है, एक भी पॉइंट अब तक ला नहीं सके हैं। लेकिन हरियाणा स्टीलर्स के खिलाफ प्रदीप ने रेडिंग स्किल्स की छड़ी लगा दी। जो लोग ये सोच रहे थे डुबकी किंग की डुबकी डूब चुकी है, उन्हें भी प्रदीप ने तगड़ा जवाब दिया। तो प्रदीप तो हमेशा ही फॉर्म में रहता है जब से प्रो कबड्डी में आया है। हो सकता है एक दो मैच अच्छा ना हो, लेकिन अदरवाइज पूरी लीग ही अच्छी करता है। प्रदीप नरवाल टीम कैप्टन है, उसने खुद लीड किया अच्छी तरह, कैसे किया, किसी पर प्रेशर नहीं आने दिया। तो सबसे बड़ी यही पॉजिटिव जो थिंग थी यही थी कि प्रदीप ने खुद अपने उस पर लिया ये गेम और हमने जीत लिया। मैच हार गए तो बहुत मतलब फैन भी बहुत नाराज होंगे, कोच भी नाराज होंगे, तो हमने यही सोचा था एकजुट होकर टीम खेलेगी तो अच्छा ही खेलेगी, फिर अच्छा ही खेली टीम। अहमदाबाद लेग धमाकेदार बनाने के बाद प्रदीप ने बेंगलुरु में भी बवाल काट दिया। बेंगलुरु में जो मैच हुए थे प्रदीप नरवाल के दोनों, तो प्रदीप नरवाल ने एक मैच में अच्छा किया, एक में ख़राब भी किया। लेकिन प्रदीप नरवाल जैसा मैं बोला था पहले भी कि वो अपनी स्किल्स ऐड कर रहे हैं, अपने जो स्किल्स हैं उनमें कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं। जैसे मैंने एक मैच में किक भी देखी, बैक किक भी देखी, बोनस की भी देखी, तो स्किल्स ऐड कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने आप को और अच्छा करने की। यूपी के इस महायोद्धा ने बुल्स के खिलाफ सुपर 10 लगाकर तहलका मचा दिया। सुपर 10 पूरा किया प्रदीप नरवाल ने इसके साथ ही, और कीर्तिमान के एक और शिखर को अंजाम दिया। 1601 रेड पॉइंट प्रदीप नरवाल के जरूर पूरे हुए। पीकेएल के नंबर 1 रेडर की टक्कर जब नंबर 1 डिफेंडर से हुई, फैंस के लिए ये मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा। देखिए प्रदीप को मैं 5 में से 2 नंबर दूंगा क्योंकि परफॉर्मेंस एज एक्सपेक्टेड था नहीं। मुझे कहना यही है कि प्रदीप नरवाल ने अपनी कमजोरी जो है
जहाँ पे वो गलती कर रहे हैं, मूवमेंट जो ब्लाइंड साइडेड हो रहे हैं फुटवर्क करते वक्त, उसको रेक्टिफाई करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। पुणे में दर्शकों के बीच बैठे दिल्ली के दबंग नवीन एक्सप्रेस इतने मजबूर कभी न थे। इंजरी ज़्यादा तो मुझे अगले दिन सुबह ही पता चला। मुझे तब लगा था कि भाई उंगली निकली है, जैसे डिसलोकेट हुई थी, लेकिन मैं जैसे खींचा तो एक बार ये लगा कि भाई सेट होगी। उस टाइम बॉडी वार्म अप थी तो पता नहीं चला कि भाई ज़्यादा है कम है, लेकिन यही था कि भाई मैच चल रहा है, शायद मैं अंदर रहूँगा तो टीम को सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेट भी होंगे, तो इस वजह से मैं पूरा मैच भी खेला। दरअसल नवीन को ये चोट लगी थी पुणे लेग में तेलुगु टाइटंस के खिलाफ, लेकिन वो चोटिल होने के बावजूद जख्मी शेर की तरह लड़े। कोच साहब ने और फिजियो ने ये मोटिवेट किया कि भाई कोई बात नहीं, देखो इंजरी तो हो सकती है, और मेरे साथ तो पुरानी रिश्तेदारी इनकी, हर सीजन कुछ ना कुछ होता ही रहता है, लेकिन ये भी होता है भाई चलो कोई नहीं, अब तो हो गया तो होना था, तो इसका वो नहीं है, पॉजिटिव बोले कि भाई कोई नहीं, जितना उसका जल्दी रिकवर करेगा, बस अच्छा सोचना है कि हाँ मैं जल्दी ठीक हो रहा हूँ। नवीन के दम पर दबंग दिल्ली ने टाइटंस को बड़े अंतर से हराया, इसके साथ ही उन्होंने पूरा किया अपना चौथा सुपर टेन। इस सीजन नवीन के इस फॉर्म को देखकर कबड्डी के दिग्गज भी हैरान रह गए। नवीन इस सीजन मुझे लगता है कि बहुत मैच्योर्ड एक प्लेयर मैच्योर हुआ है बहुत ज़्यादा। इसके पहले के सीज़न हम देख रहे थे, पिछले सीज़न भी कप्तानी इतनी अच्छी तरह से निभा नहीं पा रहे थे, पर इस सीज़न बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करके आए। उनको पता है कि अपने टीम में टीम को कैसे लीड करना है, जो यंग बच्चे हैं जो उनके अंडर खेल रहे हैं उनको कैसे चलाना है, रेडर्स का कैसे इस्तेमाल करना है, डिफेंडर्स जो है उनके टीम में उनको कैसे गाइड करना है, मोटिवेट करना है, तो वो काम में बहुत बखूबी निभाया। नवीन ने सुपर 10 की रफ्तार टूर्नामेंट की शुरुआत में अहमदाबाद लेग से पकड़ ली थी। नवीन कुमार के सुपर 10 की बदौलत दबंग दिल्ली ने बुल्स को उनके होम लेग में मात दी। राम का नाम लेके खेलते हैं, हमारे साथ बजरंग बली हैं, उनके भक्त हैं हम, तो यही रहता है कि भाई अपनी टीम के लिए करना है, अगर तुम अच्छा नहीं करोगे तो टीम अच्छा नहीं कर पाएगी। पहले सबसे पहले ये कि तुम अपना 100% दो, तभी दूसरे से डिजर्व करोगे भाई हाँ वो भी तुम्हें अच्छा करके दिखाएगा। तो ये है कि बस अपना 100% तुम अगर खुद दोगे तो अपनी टीम भी अच्छा करके दिखाएगी। इस सीजन अब तक 3 लेग में नवीन ने 4 मैच खेले हैं और चारों में सुपर 10 पूरा किया है। सभी को उम्मीद है चेन्नई लेग में पीकेएल का ये हीरो अपनी इस चोट को जल्द मात देगा और धमाकेदार कमबैक को अंजाम देगा। डॉक्टर ने तो 2 वीक बोला है कि भाई आप 2 वीक में ठीक हो जाओगे, थोड़ा हील होने में टाइम लगता है, मतलब 2 वीक में बिल्कुल फिट हो जाऊंगा, लेकिन उससे पहले भी थोड़ा अलग से रिहैब करके देखेंगे, प्रैक्टिस करके देखेंगे, अगर अपडेट सही रहेगा तो नेक्स्ट मैच में हम जरूर आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। ये कहानी है पुणे लेग की। पुणेरी पल्टन ने अपने होम लेग में एक बंधी हुई मुट्ठी की तरह फाइट किया। एज अ टीम मुझे ऐसे लगता है कि इस लीग में, इस सीजन में बहुत ही ज़बरदस्त टीम है, एक पावर पैक टीम लगती है। डिफेंस भी बहुत ज़बरदस्त है उनका, ऑफेंस में भी बहुत अच्छे रेडर्स हैं उनके पास, रेडर्स की जो तिगड़ी है उनके पास वो रंग लाती है हमेशा। पुणे में पुणेरी पल्टन के पावर के सामने विरोधी टीमों के पसीने छूट गए। बंगाल वॉरियर्स के खिलाफ तो पुणे के डिफेंडर्स ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि बंगाल के दिग्गज रेडर्स उससे निकल ही नहीं सके। लेफ्ट कॉर्नर पर शादू ने हाई फाइव पूरा किया। ये पुणे का डिफेंडर गरज रहा है मोहम्मद रेजा शादलू का बेहतरीन डबल थाइस पर अटैक। तो गौरव खत्री ने राइट कॉर्नर पर 5 टैकल पॉइंट लिए। गौरव खत्री चेन के अंदर थे और बहुत ही जबरदस्त टैकल किया उन्होंने। राइट कवर पर खड़े अभिनेश नदराज ने रेडर्स पर हमला बोला। तो ऑलराउंडर असलम ने भी डिफेंस में हाई फाइव पूरा किया। ये सब अपना रोल पूरी तरह से डिवाइड करके खेलते हैं,
मौका देते नहीं है सामने वाले रेडर्स को पॉइंट स्कोर करने का, रेडर्स को मुश्किल हो जाता है पुणे के डिफेंस से पॉइंट स्कोर करना। पीकेएल के इतिहास में एक मैच में डिफेंडर्स का ऐसा खौफ आज तक किसी ने नहीं देखा था। पुनेरी पल्टन ने रचा इतिहास, 24 टैकल पॉइंट पुनेरी पल्टन ने इस मुकाबले में अपने नाम किए। पुणे के डिफेंडर्स ने ही अकेले 24 टैकल पॉइंट जोड़े, जबकि बंगाल वॉरियर्स के टोटल पॉइंट थे सिर्फ 19। डिफेंडर्स जितने हावी थे, पुणेरी की रेडिंग तिकड़ी का दबदबा भी उतना ही जबरदस्त था। पुणे लेग में सबसे ज्यादा रेडिंग पॉइंट बटोरे मोहित गोयत ने, 5 मैचों में 30 रेड पॉइंट। इनमें वो माता है, इनमें वो जज्बा है, मोहित गोयत इनका नाम है। पुणे में रेडिंग डिपार्टमेंट में दूसरे नंबर पर रहे असलम इनामदार, जिन्होंने 25 रेड पॉइंट कमाए। अब तक हमने देखा है कि पहले मैच में असलम इनामदार ने सुपर 10 लगाया था, उसके बाद पुणे की टीम में एक ही रेडर ने सुपर 10 नहीं लगाया। जो भी रेडर खेलते सबके स्कोर रहते 7-8, मतलब यूनिटी होती है रेडर्स के। इसमें हम देखते हैं कि जो स्कोर रेडर्स का इंडिविजुअल स्कोर है वो देखने नहीं मिलता, एकजुट होकर खेलते हैं। उस वजह से जो स्कोर भी है, रेडिंग के पॉइंट्स है, वो भी डिवाइड होते हुए दिखते हैं हमें तीनों रेडर्स में। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, एक टीम के लिए बहुत अच्छी बात है। एज ए टीम ये एक यूनिट की तरह खेल रहे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग यूनिट इस सीजन तो मुझे दिखाई दे रही है पुणे। अपने सुपर 7 के दम पर पल्टन ने अब तक 6 मैचों में 5 जीत हासिल की है। टीम एकजुट होकर खेलती है तो आपको इस टीम की तरह खेलती हुई नजर आती है। टेबल टॉपर का तमगा इस टीम ने अपने पास रखा है। हर टीम के पास हीरो हैं, तो पल्टन का टीम का हर खिलाड़ी हीरो है और यही इस टीम की सबसे बड़ी ताकत है। मैट के इन महारथियों का जमावड़ा अब चेन्नई में तहलका मचा रहा है। पुणे लेग के खत्म होने के बाद में यूपी योद्धास के सुरेंद्र गिल 6 मैचों में 62 रेड पॉइंट के साथ अगर टॉप रेडर बनकर उभरे तो टॉप डिफेंडर पर कायम रहे बंगाल वॉरियर्स के शुभम शिंदे, जिन्होंने 6 मैचों में 23 टैकल पॉइंट अपने नाम किए। हीरो रिपोर्ट कार्ड के इस खास एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए लेते हैं विदा।